सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मजीद 13 लाख डोजेज भी आज वफाकी दारुलहुकूमत पहुंच जाएंगी। 2 रोज में साइनोवैक की मजीद 20 लाख डोजेस पाकिस्तान पहुंचेंगी। इस्लामाबाद में अमरीकी मॉडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू हो गए हैं और एनसीओसी का कहना है कि मॉडर्ना मुल्क भर के मुंतखब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी कल से दस्तयाब होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं और मजीद 13 लाख डोजेज भी आज वफाकी दारुलहुकूमत पहुंचेंगी। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 29 अफराद इंतकाल कर गए। 1228 वबा का शिकार बने। अमवात की मजमू तादाद 22408 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 2.57% रही। हुकूमत ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। वापसी का आगाज कल से होगा। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने कहा कि 4 ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को 18 फ्लाइट से वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन 4 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो मुख्तलिफ एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे थे और मुख्तलिफ स्टेशन पे फंसे हुए हैं, TA और PIA ने मिल के जो 18 फ्लाइट TIA की स्पेशल फ्लाइट शेड्यूल की हैं, जो 4 ममालिक में फंसे हुए हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, उन्हें 18 फ्लाइट्स के जरिए उन्हें वापस लाया जाएगा और इंशाल्लाह ताला 4 दिनों के अंदर अंदर जितने भी मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स में फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उन्हें बाइज्जत तरीके से बाराम तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन एयरलाइन जिन्होंने ओवर बुकिंग करके उन तमाम एयरलाइन की एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली गई है, टोकास भी दे दिया गया है, उन्हें पेनल्टी भी किया जाएगा और उन्हें उसका जवाब भी देना होगा। और मवेशी मंडियों की बात की जाए तो अंदरूने शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। तमाम मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। एनसीओसी ने हिदायत जारी कर दी। तमाम मुलाजमीन और ताजरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का प्लान तैयार। एनसीओसी ने जारी कर दी हिदायत। इस बार भी अंदरूने शहर मंडी लगाने पर पाबंदी लगा दी। तमाम मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। तमाम मुलाजमीन और ताजरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। NCOC ने इंतजामिया को हैंड सैनिटाइजर, मास्क और रिपीट एंटीजन टेस्ट की सहूलतें मुयसर करने की भी ताकीद कर दी। और कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, बलोचिस्तान हुकूमत हिजब इख्तलाफ को मनाने में कामयाब हो गई। अपोजिशन अरकान असम्बली ने मुकदमा वापस लेने पर थाने में 13 दिन से जारी पड़ाव खत्म कर दिया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगो ने कहा कि असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। कायद हिजब इख्तलाफ मलिक सिकंदर कहते हैं कि बाकी मुतालबात ऐवान में उठाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का सियासी बहरान खत्म करने का मिशन। सूबाई उसरा से मुसाकरात के बाद मान गई अपोजिशन। उसी दाखिला बलूचिस्तान सिया लांको की सरबराही में हुकूमती वफराद गए कोयटा के बिजली घर थाने पहुँचा और अपोजिशन के 17 MPS के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का नोटिफिकेशन हवाले किया। सूबाई वजीर दाखिला सिया लांको ने मीडिया को बताया की असम्बली के वाक़े की तहकीकात की जाएगी। जो असम्बली में जो कुछ हुआ था उसको नहीं होना चाहिए था और जो अभी हुआ है उसको मंजरियाम पर आना चाहिए। कमेटी तहकीकात करेगी और जो उसमें कसूरवार होंगे जरूर सामने आए। कायदे हिजब इख्तलाफ मलिक सिकंदर ने कहा नोटिफिकेशन मिलने पर पड़ाव खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि बाकी मुतालबात ऐवान में उठाएंगे। ये नोटिफिकेशन दिया जो मुकदमा 47/2021 दर्ज हुआ था ये उन्होंने वेटॉप किया। इस हद तक ये मामला मुकम्मल हो गया। अपोजिशन अरकान थाने में 13 दिन से जारी पड़ाव खत्म करके बाहर निकले तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। और अब कुछ PDM के पावर शो की बात कर लेते हैं। PDM ने अपनी सियासी मुहिम जोई एक बार फिर शुरू कर दी है। स्वात में आज जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहबाज शरीफ भी जलसे में शिरकत करेंगे। तबील वक्फे के बाद PDM की सियासी सरगर्मियां फिर शुरू। सवाद के ग्रासी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। सरबराह शहबाज शरीफ रैली की क़यादत करते हुए जलसा कहाँ पहुँचेंगे। रैली मालम चप्पा से होती हुई सवाद पहुँचेगी। सवाद में जलसे से मौलाना फजल रहमान और PDM के दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। मकामी इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जलसे की इजाजत नहीं दी गयी है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा बोल न्यूज अनवर शाह मौजूद है। अनवर,
बताइएगा जलसे का आगाज किस वक्त होगा और जो खिताबात का बात का सिलसिला है उसका आगाज कब से होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा में गरासी ग्राउंड में, जहाँ पर पीडीएम का आज जलसा होने जा रहा है। जलसे का टाइम 2 बजे मुकर्रर है। ताहम मुंतजमीन का कहना है कि जो सियासी कायदीन है वो 4 से 5 बजे के करीब जलसा गाह में पहुँचेंगे। जलसे के लिए तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी की इंतजाम के हवाले से पुलिस की बारी नफरी भी स्टेडियम के बाहर जो है जलसा गाह के बाहर वो तैनात है, जबकि जलसा गाह के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने रजाकार जो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जी अनवर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बुगज में ना पाक चीन दोस्ती को देखा और ना ही आवाम की फलाह के सी पैक मनसूबों को देखा। अताउल्ला तारण ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपनी सियासत चमकाने और इन विश्व में मुल्क की मफाद दाव पर लगा दिया। कहाँ है करप्शन और कमीशन? चुल्लू भर पानी है तो डूब मरो। आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो भी कुछ रोज में अमरीका परवास कर जाएंगे। वजीर आला की अमरीका में बाज़ शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं। बिलावल भुट्टो भी चंद दिन बाद वजीर आला सिंध के हमराह होंगे। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार ने कहा है कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया है। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। अवाम ऑपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। और मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकाबान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन और बदनवानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम ने करप्ट अनासिर को जड़ से उखाड़ने का तहरीक इंसाफ को दिया है। ट्वीट में उनका कहना था कि अवाम करप्ट और जाली सूरमाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। कनीजों की चालाकियाँ खुद नुमाई के अलावा और कुछ नहीं। जाली राजकुमारी के इशारों पर उछल कूद कनीजों की नौकरी का हिस्सा है। कनीज डोम का झूठा बावेला अपना कद बढ़ाने की एक नाकाम कोशिश है, जिसमें नाकामी के बाद कनीज डोम सोग मना रही है। और साबिका हुकूमतों में डॉलर बाहर जाते थे, आज पाकिस्तान आ रहे हैं। बरामदात और तरसीलाते जर की शक्ल में एक साल के अंदर रिकॉर्ड 60 अरब डॉलर पाकिस्तान आए हैं। वजीरे मुमलिकत फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी मईशतों पर असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान मौशी मुश्किलात का शिकार नहीं हुआ। नून लीग के दौर में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसा नहीं भेजा। इन्हें मालूम था कि हुक्मरान मनी लॉन्ड्रिंग करके महलात खरीदते हैं। अपोजिशन इंतखाबी असलाहत से भाग रही है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इनकी हुकूमत नहीं आएगी। पिछले तकरीबन 1.5 साल से पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की वबा की वजह से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उन इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा असर आया। बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो बैठ गई। कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ। आखिरी PMLN के 3 साल रेमिटेंसेस के अंदर कोई इजाफा नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इनको पैसा नहीं भेजा क्योंकि उन्हें पता था कि ये पैसा चोरी करके बाहर भिजवाते हैं। हम रेमिटेंसेस जो तरसीलात ज़र प्लस जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं 31 अरब डॉलर की, जो सर्विसेज प्लस गुड्स एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर की हैं, उनको हम 60 अरब डॉलर के ऊपर लेके चल गए हैं। इन्हें पता है कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इनकी आइंदा हुकूमत नहीं आएगी। और नाज़रीन, हुकूमत ने 6 किस्म के दरामदी मोबाइल फोन्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी है। कस्टम कोड के तहत $30 तक के मोबाइल फोन पर ₹300 फी सेट ड्यूटी लगा दी गई है। $100 के मोबाइल फोन पर ₹3000 फी सेट ड्यूटी लगाई गई है। दस्तावेज के मुताबिक $100 तक $200 फी सेट मोबाइल फोन पर ₹7500 की रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। 200 तक $350 के मोबाइल फोन पर ₹11000 फी सेट
ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 350 डॉलर के सेट पर 15,000 रुपये ड्यूटी आयद की गई है और 500 डॉलर से जायद फी सेट पर 22,000 रुपये मोबाइल पर ड्यूटी आयद की गई है। अफसोसनाक खबर, दरियाए सिंध पिकनिक पर आने वाले 3 दोस्तों को निगल गया। 20 साला हमजा की लाश निकाल ली गई, 2 की तलाश जारी है। ऑपरेशन अंधेरे की वजह से रात को रोक दिया गया था। डूबने वालों में 2 सगे भाई और 1 उनका मामू शामिल है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 1 नौजवान डूबा तो बाकी उसे बचाते हुए डूब गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। कराची में एक तरफ अवाम डाकुओं के हाथों लुट रहे हैं तो दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं हैं। शहर में जानवर चोरी होने की वारदातें बढ़ गई हैं। कुरंगी में मुलजिमान शहरी के 3 बैल ले उड़े। बकरा ईद करीब आते ही जानवरों की चोरी की वारदातों में इजाफा। कराची में बाग कुरंगी के इलाके में कुर्बानी के लिए लाए गए 3 बैल चोरी कर लिए गए। रात के आखिरी पहर में हुई, मुलजमान ताला तोड़कर बैल पैदल लेकर फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान की घबराहट भी वाज़ह नजर आई। एक राहगीर को मुलजमान पर शक भी हुआ। खासा शहर ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की फरियाद की है। अवामी थाने के एसोसिएशन मेरी अपील है की जल्द से जल्द हमारा जानवर हमारे को वापस दिलवाए और मुलजमान को सख्त सजा दिलवाए। पुलिस ने बैलों की चोरी का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, एएनएफ को कहा गया, एएनएफ को कहा गया कि एसपी रिजवान की रिपोर्ट मुझे मिली है। उस रोज ये एआरवाई के शो के अंदर बैठ के लगे रहे थे, जैसे कल ये सारे दिन टीवी पर बैठते रहे। उस रोज ये एएनएफ को धमकाते रहे थे और मैं बताना चाहता हूँ, सईद गनी साहब मुझे बताइए कि ये कौन है, ये फरहान शुरला एएनएफ ने जिसको 2 दफ़ा गिरफ्तार किया है, फरहान शुरला इनके भाई फरहान गनी के साथ उसकी तस्वीर है और इसको एएनएफ ने 2 दफ़ा इसकी एफआईआर काटी। और जब इसको फरहान शुरले को, और ये फरहान शुरला आपके भाई के साथ भी है और आपके साथ भी है, अगर आप माशाल्लाह नेक परवीन हैं तो ये फरहान शुरला के साथ आप क्या कर रहे हैं, ज़रा बता दीजिए। और ये इल्ज़ाम नहीं है, उस दिन भी बड़े ये मलेशिया के कपड़े पहन के और वहाँ जाके बैठ गए थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ जवाब दें, वो इस फरहान शुरला, चलिए अगर इल्ज़ाम है तो ये जो सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, मैं भी साफियों को दे भी देता हूँ, ये फरहान गनी और फरहान शुरला की जो सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, जो कि फरहान शुरले ने फरहान गनी से बातचीत की है। फरहान गनी साहब पीपल पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, आपके छोटे भाई हैं और स्विमिंग पूल भी उन्हीं का घर में बना हुआ है। तो ये फरहान शुरले का जिसको 2 दफ़ा एएनएफ ने पकड़ा, उसमें मैं पूछता हूँ एफआईआर भी ये फरियाद फरहान शुरले की कटी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इसका जवाब ज़रूर दे दीजिए सईद गनी साहब के, हुई फरहान शुरला और जनाब अली ये कौन है भाई, ये डकैत है, इसकी एफआईआर भी आपको शेयर करता हूँ। ये सईद गनी साहब के साथ खड़ा हुआ है माशाल्लाह और इसमें इसके सीने पर बिलावल जरदारी साहब की तस्वीर बनी हुई है, ये देख लें, ये डकैत इसके जो टी शर्ट पहनी हुई है बिलावल जरदारी उस पर नजर आ रहे हैं, तो असल चेहरा बिलावल जरदारी का भी यही है, डाकुओं के सरपरस्त, ये मासूम चेहरे के पीछे असल फेस देखो। ये डकैत कौन है, इस वक्त ये डकैत मौजूद है किसमें, जेल के अंदर मौजूद है, सेंटर जेल में। इसके ऊपर ये एफआईआर कटी हुई है थाना पाकिस्तान बाजार में, एफआईआर नंबर 85/2020। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सारे गवाहान के बयान मौजूद हैं और इस डकैत के भी बयान मौजूद हैं कि इस डकैत की जो भी चोरी ये जो करता था, डकैतियां करता था, उसकी सरपरस्ती सईद गनी साहब का उसके भाई करते थे। हसन नाथा एक अरसे तक यहाँ मंशियात फरोशी करता रहा। हसन नाथा जिस रोज़ डॉक्टर रिजवान ने उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी की, इन्होंने बजाय इसके कि उसको कोई एजेंसी पकड़ ले, कोई और पकड़ ले, कोई तफसीलात ले ले, हसन नाथा को इन्होंने जेल भिजवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रिजवान से पहले हसन नाथा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? तो मैं बताना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी के में हलीम आदिल शेख न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की अबूरी इंतजामिया ने जामिया और एचईसी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। असातिज़ा की भर्तियों में संगीन बदनवानी का इंकशाफ हुआ है, क्या इंकशाफात हैं बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव अफनान। जी राव अफनान,
बिल्कुल वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ जो वजीर आजम का शिकायती पोर्टल है उस पर बड़ी तादाद के अंदर शिकायत मौसूल हुई है, जिसके अंदर उम्मीदवार जो कि असातिज़ा भर्ती के लिए उम्मीदवार थे उन्होंने ये शिकायत की है कि जो मेरिट है एच ई सी का और जो यूनिवर्सिटी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल एंड रेगुलेशन, उन तमाम को बाईपास किया गया है। मनपसंद जो उम्मीदवार है उन्हें बतौर असातिज़ा भर्ती किया जा रहा है। पहले जो है वो टेस्ट है उसके नतीजे में है फेल और जो नाकाम है जो उसका तयन किया गया, हासिल करदा नंबर के हवाले से कोई तफसीलात बताई नहीं गई। अमरीकी वेबसाइट से पर्चा चोरी करके जो है वो जो भर्ती का टेस्ट था उसमें वो पर्चा दिया गया, उसी के साथ मजीद इंकशाफात हुए और जो उम्मीदवार है उन्होंने वजीर आजम की शिकायती पोर्टल पर भी रुजू किया और अदालत से भी रुजू कर लिया। कुल तादाद के अंदर मैं बताऊं तो 2100 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो टेस्ट के अंदर शरीक हुए थे, 670 को जो है वो कामयाब करार दिया, बाकियों को नाकाम करार दिया। पीएचडी और एमफिल के जो उम्मीदवार हैं उनको एमएससी करने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्हें सिलेक्शन बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।